आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयत का परिमाप का सूत्र लिखते हैं। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप उसका सूत्र जो होता है वो होता है हमारे पास 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई प्लस हमारे पास क्या आ जाता है? चौड़ाई आ जाता है। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। तो जैसा कि हमारे पास 2 गुणा में है, तो 2 गुणा में रहेगा हमारे पास। लंबाई प्रश्न में कितना दिया हुआ है? तो लंबाई दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है हमारे पास कितना? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 3, यानी कि ये 2 गुणा में रहेगा और 5 3 कितना होता है? तो 8 होता है। अब 8 से 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास विकल्प किस में? बी में दिया हुआ है। इसीलिए जो इस आयत का परिमाप होगा, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, उसका 16 सेंटीमीटर परिमाप होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।